मटिया महल की गलियों में, जामा मस्जिद की छाँव में, यूँ तो आपको कई तरीके के जायके मिलेंगे, पर जो एक जायका जो हमको खींचता है वो है शीर माल। शीर का मतलब दूध और माल का मतलब उसको रगड़ना। मुगलों के द्वारा इसको भारत में लाए जाने के बाद लखनऊ में शुरू किया गया। शीर माल एक केसर के जायके की रोटी है जो सदियों से ईरान में बनाई जा रही है और अब जामा मस्जिद में भी ये काफी प्रचलन में है। शाही शीरमाल, हाजी नदीम मेरठ वाले शाही शीरमाल भाई, यहाँ जो है इनके शीरमाल तैयार होते हैं और आप देखिए भाई कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ शीरमाल बनाए जा रहे हैं। ये भाई कौन सा शीरमाल है? ये शाही शीरमाल है। ये शाही शीरमाल है, यहाँ पास है भाई। आप ये देखो, सबसे पहले तो ये मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या चीज है? ये मैदा बेसन। मैदा जी? मैदा बेसन जी और सूजी। सूजी तो ये इसमें कुछ और भी है, मीठा होता है, ये कैसा होता है? चीनी वगैरह है, इलायची भी है, इलायची दाना, तुम्हारा बेकिंग पाउडर, सब चीज इसी में डाल के रखते हो भाई। इतने सारे जो हैं ये बने हुए हैं, इनके पेड़े बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? पेड़ा बोलेंगे ना। अब ये उसके बाद यहाँ आते हैं ऊपर, इनकी यहाँ पे टिक्की बनती है, यहाँ पे इनकी टिक्की बनाई जाती है। फिर क्या होता है? फिर ये देखो भाई, ये आगे जाएगा, फिर ये बेलते, पहले ये बेलते हैं, फिर टिक्की बन गई। तो एक जरा दिखाएंगे भाई कैसे कैसे करते हैं इसको। ये जी हाथ से इसको बनाते हैं, पहले सॉफ्ट कर रहे हो इसको, होती है। ये गया बादाम में, ये बन गई इसकी टिक्की। क्या बात है भाई, गजब। सारे बादाम इस पे चिपका दिए गए हैं और अब ये हमें जाएगा तंदूर में और ये गया यहाँ। और भाई इसके बाद सारा मामला जो है यहाँ आ जाता है और ये जो भाई हैं हमारे, ये इसको लगाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? परवीन खान। क्या बात है, और ये आप तंदूर में लगा रहे हो भाई। यहाँ आप देखिए ऑलरेडी इतने सारे तंदूर में यहाँ लगे हुए हैं शीरमाल। भाई यहाँ जो है शीरमाल बनते हैं और आप देखिए, मतलब इनका जो स्पेशल तंदूर है उसमें स्पेशल ड्राई फ्रूट वाला शीरमाल बन रहा है। भाई इसमें क्या क्या लगा हुआ है? अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अंजीर है, काबुली है, काफी सारी चीजें। और ये क्या है आपके, भट्टी है, ओवन है, क्या है? भट्टी होती है, इसमें मिलता है। ये भट्टी होती है भाई, आप देख लो, ये जो इनका एक सैंपल ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट, अंजीर, काफी सारी चीजें हैं। ये बनने जा रहा है अब, कौन सा भाई? पिस्ता वाला? पिस्ता बादाम देसी घी। पिस्ता बादाम देसी घी, ये कितने का होता है? 100 रुपए का होता है। 100 रुपए का ये भाई, इन्होंने जो अपना बैट आटा है उसको पूरा अच्छी तरह रोल कर दिया। अब ये लगाया थोड़ा सा पानी, ये बादाम में गया अच्छी तरह। इसमें ज्यादा बादाम लगाए जाते हैं? फुल बादाम होता है। अच्छा, वो सस्ते वाले में कम होते हैं? कम होते हैं। क्या बात है भाई, आप इसकी लुक देखो एक बार, एक बार हाथ हटाना भैया, कितना गजब लग रहा है। और कितने सारे इसमें बादाम लिपटे हुए हैं। अब इस पर क्या जाएगा? पिस्ता लगेगा इसमें। इस पर फिर पिस्ता लगेगा जी। पहले बादाम, अब पिस्ता। क्या बात है भाई, जबरदस्त, लवली। ये इसलिए ऐसे इसलिए करते हैं ताकि ये फूले ना, फूले ना, बहुत ही बढ़िया। अब इसको फोल्ड करके यहाँ रख दिया जाएगा और ये जो भाई हैं हमारे, ये इसे तंदूर में लगाते हैं। ये जो है 100 वाला है, पिस्ता और बादाम वाला। भाई ये जो है कितने, 200 वाला ही है? ये 200 वाला शीरमाल आप देखिए, देसी घी के अंदर डिप हो रहा है और भाई कितना ज्यादा गजब लग रहा है, ये लवली। ये इधर से शुरू होता है सर हमारा। हाँ जी, शीरमाल होता है 25 रुपए का स्टार्ट। ये 25 रुपए का है सिर्फ? 25 ओनली। इसमें कुछ भी नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं? प्लेन होता है सर, इसको आप सब्जी से। अच्छा, सब्जी से भी खा सकते हैं? ये क्या है? और ये लाइट बादाम में होता है। ये कितने का है? ये 35 का है। हाँ जी, और ये तिल बादाम में होता है, ये 50 का है। ये तिल और बादाम, ये नॉर्मल मिक्स घी में होता है थोड़ा। अच्छा, इधर फिर देसी घी क्वालिटी आ जाती है। ये सब देसी घी वाले हैं। तो ये कितने का है? 70 रुपए का है फुल बादाम। हाँ जी, और ये पिस्ता बादाम है 100 रुपए। पिस्ता बादाम 100 रुपए जी सर, बहुत बढ़िया। फुल ड्राई फ्रूट में 200 रुपए का। ये 200 का है। इसमें क्या क्या है? इसमें काजू, बादाम, अखरोट। हाँ जी, हाँ जी, और ये पिस्ता, और ये 300 रुपए का सर, विद प्लेट होता है। ये विद प्लेट है 300 रुपए का। भाई बहुत ही बढ़िया,
आप वैरायटी देखो, इनके पास काफी सारी है। ये 500 रुपए का हमारा। अच्छा, ये 500 का है। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और चिलगोजा। अच्छा, अंजीर और इसमें केसर भी डाली हुई है आपने? केसर भी डाली हुई है। क्या बात है भाई, तो बहुत ही सारी वैरायटी है इनके पास। 15 से 20 दिन खराब नहीं होता शाही शेरमाल। 15 से 20 दिन एकदम फ्रेश बढ़िया रहता है। ये बॉक्स के अंदर चलती है नान कढ़ाई पूरा एक महीना। ये एक महीना चलेगी। ओके की रिपोर्ट। यहाँ पे जो है शीरमाल, अगर किसी को टेस्ट करना हो, चेक करना हो, तो वो भी करवा देते हो? बिल्कुल, सबको टेस्ट कराते हैं, अच्छा लगे तो लेके जाइए। हाँ जी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगना चाहिए। जी सर, जी सर। तो ये सिंपल, पहले सिंपल वाला टेस्ट करवाते हो? 35 वाला टेस्ट करा ले सबको, फिर अगर किसी को पसंद हो तो वो कोई भी ले सकता है। और भाई यहाँ पे जो है कंटिन्यूस पैकिंग चलती रहती है शीरमाल की, क्योंकि इनके शीरमाल है ही इतने फेमस। ऑर्डर आते जाते हैं, बनते जाते हैं, पैक होते जाते हैं और निकलते जाते हैं। शीरमाल के साथ साथ जो है यहाँ पे शाही नान खटाई भी रखते हो? शाही नान खटाई मेरठ वालों की। मेरठ वालों की। काजू बादाम पिस्ता देसी घी मूंग की दाल का। काजू बादाम पिस्ता देसी घी मूंग की दाल। मूंग की दाल का। ये 400 रुपए केजी है। कितने रुपए? 400 रुपए केजी। 400 रुपए किलो है। ये भी देसी घी का? देसी घी होता है। और ये काजू मूंग की दाल ये नॉर्मल होता है 300 रुपए किलो। क्या बात है भाई, इतनी सारी नान खटाइयां रखी हैं। मतलब सूजी बेसन होता है प्लेन 240। मतलब अलग अलग वैरायटी आपने बनवा रखी है। बहुत ही बढ़िया भाई, बनाया था आपसे 22 साल पहले मेरठ के अंदर आपने। दोनों भाई, जिसको भी ये शाही शीरमाल खाने हो वो आ सकता है यहाँ पे। एक बार एड्रेस बता दो। ये दिल्ली जमा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने मटिया महल। मटिया महल शॉप नंबर 73। भाई जिसको भी ये खाने हो एक बार इनकी शॉप पे जरूर आए। काफी सारे शीरमाल यहाँ बनते हैं और काफी सारी वैरायटीज हैं, साथ में नान खटाई भी है, तो एक बार आके ट्राई जरूर करें। ये जो हमारे शाही शीरमाल आ चुके हैं, ये हमने 100 रुपए वाला लिया है। देखने में ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेम्पटिंग और अमेजिंग सा लग रहा है। अब आप एक इसका एक पीस देखो भाई, इसे मुगलई पिज्जा भी बोला जाता है। काफी अच्छा ये सॉफ्ट सा ब्रेड है, उसमें इतने सारे पिस्ता और बादाम है और पिस्ता है, और ये टेस्ट में काफी मीठा मीठा भी होता है। देसी घी में बनाया गया। आप ये देखिए भाई, एक को हम भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना ये। बहुत ही ज्यादा गजब, सॉफ्ट, डिफरेंट और टेस्टी।